गुड इवनिंग टीम। एक्चुअली मैं ये छोटा सा वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ जिसमें सिखाया जाएगा कि कैसे हमें जब हम किसी पर्सन को ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद उसका केवाईसी कैसे हमें अपलोड करना है। ठीक है, तो केवाईसी अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपके पास सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ टाइप है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि कौन सा आप जो एड्रेस प्रूफ है वो चूज करना चाहते हो। वहाँ पे आपके पास पासपोर्ट की ऑप्शन है, बैंक पासबुक की ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस की ऑप्शन है, वोटर आईडी की या आधार कार्ड की। हम आधार कार्ड चूज कर लेंगे, नॉर्मली हम आधार कार्ड लेते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड आपने चूज कर लिया। अभी देखिए, आप एक चीज देखिए, आधार कार्ड के बिल्कुल सामने एक कैमरे का जो पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, हमें उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपसे कैमरा या गैलरी का ऑप्शन मांगा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गैलरी चूज कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने गैलरी चूज किया तो वहाँ पे क्या है कि मैं गैलरी से अपनी एल्बम निकाल कर और वहाँ से मैंने क्या किया हुआ, पहले से ही क्रॉप किया हुआ है फोटोज को। तो आपको क्या करना है, फोटोज को क्रॉप करके पहले ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है जी, मैंने उनका जो इमेज वाला फोटो है, मतलब कि फर्स्ट फोटो जो होता है आधार कार्ड का, जो सामने वाला फ्रंट का फोटो होता है, उसको मैंने अपलोड कर लिया। अभी उसके बाद नीचे आ रहा है जी एड्रेस प्रूफ बैक इमेज। ठीक है, मतलब कि आधार कार्ड का जो प्रूफ हमने एड्रेस प्रूफ लगाया, पहले वाला जो है वो हमने क्या कर लिया है जी, सामने वाला किया। अभी बैक का फोटो करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर से गैलरी में जाएंगे और फिर से हम एल्बम में जाएंगे। एल्बम में जाने के बाद हम क्या करेंगे जी, हमने जो एड्रेस प्रूफ का बैक साइड है वो चूज कर लिया है। ठीक है जी, उसके बाद आगे अगर बात करते हैं हम, तो उसके बाद एज प्रूफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एज प्रूफ हम सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम पैन कार्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो पैन कार्ड, जैसे हम पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास सामने से बटन आएगा, तो उस पर गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी पे क्लिक करने के बाद एल्बम पे क्लिक करेंगे। एल्बम पे क्लिक करने के बाद फिर से चूज करेंगे हम पैन कार्ड का। ठीक है, तो मैंने पैन कार्ड क्लिक चूज कर लिया है। ये मैंने सबसे पहले ऑलरेडी मैंने सभी जो फोटोज हैं मैंने क्रॉप करके रखी हुई है, तो आपको पहले ही क्रॉप कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आ सके। और उसके बाद जो एज प्रूफ है उसका बैक साइड, मतलब कि पैन कार्ड का बैक साइड हमें अपलोड करना है। सेम वही वैसे ही हम जाएंगे और पैन कार्ड का जो बैक साइड है वो हमने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या कर देना, सबमिट। ठीक है, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो देखिए आप क्या लिखा आ रहा है, केवाईसी डॉक्यूमेंट सेंट टू अप्रूवल, इट विल टेक 3 working days फॉर द अप्रूवल ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बाय द कंपनी। ठीक है, और जो एफपीओ आईडी है जो बनकर आ चुकी है हमारे पास, वो ये आईडी है। ठीक है, और आपको मालूम है कि हमारा जो टीम 564 है और ये पर्सन लकी है जिसका नंबर लास्ट में 64 आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, लॉगिन कर देना है हमें। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आती है जी, हमारे पास ऑप्शन आती है पासवर्ड की। सो यहाँ पे अभी मैं पासवर्ड क्या है इनका सेट कर दूंगा। ठीक है, तो पासवर्ड में नॉर्मली ठीक है हमने सेट कर दिया है जी इनका पासवर्ड, और ये पासवर्ड बाद में चेंज हो जाएगा। और एक बार मैंने क्लियरिटी के लिए देख लिया है कि पासवर्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है जी, आईडी है वो हो चुकी है। ठीक है, हमारी लॉगिन, हमारा जो सामने आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमारा एफबीओ आईडी शो कर रहा है। ठीक है, जो स्टेटस है वो प्रेफर्ड कस्टमर शो कर रहा है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रेड कलर में, आप चेक कर सकते हो, क्लिक हियर टू अपलोड केवाईसी। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो हमने ऑलरेडी केवाईसी जो है वो अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे आपको क्या स्टेटस में आ रहा है, एफबीओ केवाईसी अपलोड पेंडिंग भी आ रहा है। राइट, सो ये विद इन 24 आवर में क्या होगा कि आपकी जो जो केवाईसी है वो आपके अप्रूव्ड हो जाएंगे। तो वो वहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि आपका अप्रूव्ड हो गया है, तो ये जो रेड कलर में आपको लिखा आ रहा है ना, क्लिक हियर टू अपलोड केवाईसी डिटेल, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। और नंबर 2 पे जब आप यहाँ पे जहाँ पे नाम लिखा हुआ आपका, नाम के ऊपर जो आपको 3 lines इसको ऑप्शन बोलते हैं, तो जब जैसे ही आप ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम शो हो रहा है, तो नाम के बिल्कुल बगल में आपको नीचे शो करेगा केवाईसी अप्रूव। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी केवाईसी अप्रूव हो चुका है, अभी हम एलिजिबल हैं 5000 का बिलिंग करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।